और ये देखो, ये जो है ये पार्लियामेंट का ये गुंबज है। पार्लियामेंट में बैक साइड में जो वाल है ना, तो वाल में एक ये ऊपर जाते हैं, साल में एक बार खुलता है, तो हम इससे ऊपर जा कर के ऊपर फ्लैग्स वगैरह हैं तो हम आप देख सकते हैं। देखो ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का है। देखो ये आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखिए आप, और इसमें ये गुंबज देख रहे हैं, ये गुंबज ऊपर, और यहाँ पर लोग जाते हैं, यहाँ से भी देखते हैं बीच बीच में से जो विंडोज है, लेकिन ऊपर जा कर के फिर गैलरी है, और वहाँ पर एस्टोनियन झंडा लहरा रहा है, तो यहाँ जा कर के ऐसे, और ये इसकी हिस्ट्री भी है। ये देखो हिस्ट्री है, द ब्लू ब्लैक एंड वाइट फ्लैग फ्लाइंग एट द टॉल हरमन टावर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया। तो ये जो है यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है पार्लियामेंट, तो मैं पार्लियामेंट के, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पार्लियामेंट है। मैं साइड में आगे से नहीं, तो बस ये बगल में ही इनके गार्डन भी है, और यहाँ अक्सर इंटरव्यू होता रहता है, कभी पीएम या कभी अलग अलग जो है, तो जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े होदे में जो भी मंत्री वगैरह हैं, तो उनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी होते रहते हैं। और पार्लियामेंट के देखो वो ऊपर का गुंबज दिखाता हूँ आपको, वो देखो, देखा आपने, तो वहाँ जाने के लिए हमें फिर साल में एक बार फ्री एंट्री मिलती है यहाँ से, और यहाँ से आप जा सकते हैं, जा कर के आप जो है तो वहाँ ऊपर गुंबज में जा कर के और वहाँ पर सलामी ठोक सकते हैं। एक बार केवल मैं भी गया हूँ, 10 साल में केवल एक बार गया हूँ, और बहुत अच्छा लगा था, मैंने भी सलामी बजाई थी तो बहुत ही अच्छी जगह है। और नीचे देख रहे हैं आप, नीचे रोड है, ये देखिए है ना, तो काफ़ी ऊंचाई पे है, और सामने जो है बढ़िया जंगल। एस्टोनिया की, एस्टोनिया मतलब पूरा एस्टोनिया, टालिन तो खैर राजधानी है, लेकिन टालिन जो है एक बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ हर जगह जंगल हैं, बीच बीच में खुलापन है, पार्क है, गार्डन है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बसा हुआ है। तो ये तो टालिन जो है राजधानी है, सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एस्टोनिया में अगर बाहर जाएंगे ना, जैसे दूसरे सिटीज हैं, जैसे तार्तू है, नारवा है, पारनू है, रकवारे है, सारेमा है, वहाँ तो आप बहुत ही खूबसूरती देखेंगे। बिल्डिंग भी दूर दूर मिलेंगी, इमारतें दूर दूर मिलेंगी, और बहुत सारे गार्डन्स, और मतलब बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी जगह है। और गांव यहाँ के तो और भी खूबसूरत हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि गांव हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाते दिखाते इनके इस गार्डन के इस भाग में आ गया, और यहाँ से ही मैं पहुँच जाऊँगा द पार्लियामेंट ऑफ एस्टोनिया के एकदम फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में पहुँचने वाला हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो आज आपकी कुछ सैर करा देते हैं। एक वीडियो मैंने अभी डाला था लेकिन कोई देखा ही नहीं, शायद उसका थंबनेल देख के, टाइटल देख करके किसी ने क्लिक नहीं किया। वो एक मैसेज था वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज था, किसी एक विशेष कंट्री के लिए नहीं था, लेकिन देखा कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये पार्लियामेंट, और देखो कोई बड़े पर्सन निकल रहे हैं, और देखो पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, यही पार्लियामेंट है। तो आप देख रहे हैं ना, ये पार्लियामेंट, देखो ये पार्लियामेंट अंदर से कैसा है वो भी देख लो, आपको इसमें दिखा देते हैं। देखो इस तरीके से पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये फ्रंट भाग है, और ये अभी जो आपको गुंबज मैंने दिखाया था, ये वो गुंबज है ना, और इस तरीके से अंदर का सारा हिस्सा है, अंदर की इमारत है, और इसी के बैक साइड में वो वॉल है, जो पुरानी वॉल आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ नज़ारा बनता है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो है तो ये पार्लियामेंट है, और ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट है, ये द सेम बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना, यही सेम बिल्डिंग ये सामने है, तो पार्लियामेंट ऑफ एस्टोनिया। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, इवन अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर जाना है, इवन अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर भी जाना है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के, बुकिंग करके आप जो है ऑनलाइन, और आप जा सकते हैं।
हेलो तेरे ही और सी वाज पीएम प्राइम मिनिस्टर नो एंड इट वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस इज हियर ओके एक्चुअली ही आई केम फ्रॉम हियर नो we have he is prime minister but this group of people say tourist organizers okay I am a YouTuber so just I am asking that if I want to go inside yeah. So how can I go it is so that anybody must invite you from here without invitation I can't go okay police control and of course one possibility is to be contact with information desk here is that here it, here uh-huh. so that it is possible I believe that it's in the parliament site okay it is so uh-huh. looks is and then all is possible But I heard that anyone, if you want to go inside, just you need to booking online. And if you book, if you take appointment, you can go. But now you are telling that someone should invite you. Without invitation, we can't get permission. It's so hard for this reason that it's end of day. No, not today, any other day. Yeah, I am assuming. All is possible. But of course, maybe for you, it's better to take this... information from official external parliament site. Okay. How it's possible that you can hotel room. Then we can go inside and can shoot a video. We can make video. I believe and possibly it's so that you can get some advisor for you to make like this trip. Okay. Thank you. So can I upload this video? Yes, of course. Okay. Thank you, sir. Your good name? Ivari. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. So guys, आपने सुना कि मेरे को confusion हुआ था. वो actually उनमें से कोई prime minister नहीं थे. और इन्होंने details दी. आपने सुना कि अगर आपको parliament के अंदर जाना है, तो आप इनकी official website में जा करके वहाँ पर आप जो है, तो जो भी तौर तरीके हैं कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हालांकि उन्होंने ये बताया कि जो नियम है कि समवन शुड इनवाइट यू तो लेकिन इन्होंने ऐसा बताया लेकिन अगर कोई इनवाइट नहीं भी करता है तो भी आप जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके और वहां अपनी रिक्वेस्ट आप दर्ज करा सकते हैं और उससे पॉसिबल हो सकता है आप अंदर जा सकते हैं तो कहने का मतलब ऐसा है और मुझे 10 साल यहाँ रहते हुए हो गए लेकिन कभी भी जो है पार्लियामेंट के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन तो अगर पॉलिटिशियन हो तो ही पॉसिबल होता है ना अंदर जाना मुलाकात करना कभी सोचा ही नहीं अब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है एज ए यूट्यूबर अब अगर मैं यूट्यूबर बन गया हूँ तो अब मैंने किया है आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड गो देयर आई शुड विजिट एटलीस्ट वन विजिट आई शुड टेक So I think one day I will go. Definitely I will go. In future, I will try. And one video I will make inside the parliament. And here is possible. It's not a big thing. I think one day I will try. Not this week or next week. Right now I can't confirm anything. But in future I will try. And definitely I will visit. At least one visit I will take of this parliament and then I will upload the video with all details and maybe if possible that I would like to take an interview of a prime minister. It's not like Indian prime minister or any Asian country's prime minister because there are lot of securities and it's not possible to meet you. But here is possible, here is not like difficult. I think in this month may be possible. Right now I am not confirmed, but I will try. In this month I will make a video inside of the parliament. Okay, so बस आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, देखने जैसा है, इतना खूबसूरत नजारा है, इतना खूबसूरत जगह तो ये आप कहीं भी जाएं parliament के अरे मतलब करीब में दूर कहीं भी जाएंगे
हर जगह आपको ब्यूटीफुल गार्डन्स मिलेंगे और प्लेसेस ब्यूटीफुल, बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल, पीपल ब्यूटीफुल, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है एस्टोनिया और टालिन बहुत खूबसूरत है। हालांकि दूसरे सिटी जैसे कि तार्तु है वो और भी खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो भाई टालिन ही पसंद है और मैं शुरू से ही टालिन में ही रह रहा हूँ। मैंने जो है कभी भी केवल, आपको याद होगा मैं एक बार लास्ट में वीडियो बनाया था मैं रशियन बॉर्डर का, तो बस केवल एक ही बार नारवा सिटी में मैं गया था, बट इट वॉज माई फर्स्ट विजिट। आई कॉन्ट से राइट नाउ, बट इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू स्टे 2-3 days और 1 week, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम आई कुड नॉट, ओनली अ सिंगल नाइट आई वॉज देयर एंड फुल डे, एंड सेकेंड डे आई केम बैक, बट नेक्स्ट टाइम आई विल स्टे देयर। तो कहने का मतलब ये है कि देखो अभी इधर देखो कितना खूबसूरत जगह है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी कोने में जाएं, एस्टोनिया के, मैं बात तो केवल टालिन की कर रहा हूँ, एस्टोनिया तो बहुत ही खूबसूरत है, गांव, मोहल्ले, हर सब चीज़ खूबसूरत है, लेकिन टालिन चूँकि राजधानी है, बावजूद इसके टालिन भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत 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 बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत खूबसूरत गार्डन्स हैं और सब कुछ, सिटी भी बहुत खूबसूरत है, तो टालिन का तो क्या कहना है। और जनाब मैं हमेशा खुश रहने वाला हूँ, मेरी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, अभी तक वैसा ही है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इनकम है, कुछ नहीं है, जो हाल 1 महीने पहले था जब मैंने अपार्टमेंट छोड़ा था वही हाल आज भी है, लेकिन बस ऊपर वाले की मेहरबानी से चले जा रहा है और चला जाएगा, चलता जाएगा, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। रोटी देखो मेरा कोई खर्च नहीं है, मैं इतना वरीड क्यों नहीं हूँ मैं आपको बता दूँ, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा क्या है, थोड़ा सा खाना है, और खाना भी मैंने कम कर दिया है, अभी पहले जैसा 3-4 times नहीं खाता हूँ मैं, अभी 1 time ही खाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 time ही खाता हूँ, और वो भी रोटी तो मिलती नहीं है क्योंकि 1 महीना हो गया घर छोड़े हुए, लास्ट मंथ की 25 तारीख को छोड़ा था, खाली किया था, और आज जो है तो 16 हो गई, नियर अबाउट 1 month हो गया, तो रोटी तो कहीं बनाने का चक्कर ही नहीं है, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कभी ब्रेड बटर खा लिया, साथ में थोड़ा सा जो है तो सलाद वगैरह खा लिया, फिर वो सीरियल्स आते हैं, मूसली आती है, मूसली, मूसली में मतलब ग्रेन्स होते हैं जैसे जौ है, बाजरी है, गेहूं है, और कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं, कोकोनट है, आलमंड्स हैं, या फिर और पिस्ता बादाम जो भी है उसमें काफ़ी कुछ मिक्स होता है, तो 3.5 euro का पैकेट आता है, आधा किलो का शायद होता है, तो मेरा चल जाता है कई दिन तक, तो थोड़ी मूसली खा लिया, थोड़ा सा सीरियल वगैरह, और कभी थोड़े से वो एप्पल ले आए, एप्पल भी सस्ते ही आते हैं, कोई महंगे नहीं है, 1 euro में 1 kilo मिल जाते हैं, और सस्ते वाले लेंगे तो 1 euro के 2 kilo मिल जाएंगे, लेकिन मैं 1 euro से सस्ता नहीं लाता हूँ मैं, तो बस एप्पल ले आए, 1 आधा apple खा लिया, और दूध ले लेता हूँ रात को सोते टाइम में, 1 cup दूध जो है गर्म करके, और अदरक के साथ में, अदरक के साथ उबालता हूँ बॉयल करके, और बस। तो खाने पीने में बहुत कंट्रोल कर दिया है मेरा, जो है लगभग 13-14 kilo वज़न कम हो गया है, तो ऐसे नहीं हुआ है, ये कोरोना वायरस के टाइम में बड़ी बड़ी मेहनत की है मैंने खाने पीने में, बहुत ही कुछ जो है त्याग किया है, अभी मैं शक्कर भी नहीं खाता हूँ, बहुत कम से, हालांकि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, अभी टेस्ट हुआ था तो डायबिटीज़ बिल्कुल नील है ही नहीं, तो लेकिन जब से जो है ना मैंने खाने पीने में कंट्रोल किया, मैं बहुत ही हेल्दी फील करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि देखो मैंने शक्कर भी खाना, पूरे दिन में 1 बार चाय पीता हूँ, पहले 4-5 बार पिया करता था, अभी 1 ही बार पीता हूँ, और चाय में भी 1/2 spoon से भी कम शक्कर डालता हूँ, सुबह जो है तो मैं लगभग 1 liter, 1.5 liter, 1.5 liter पानी पीता हूँ, उसमें 1 नींबू मिला करके और थोड़ा सा 1 चम्मच हनी तो ये लेता हूँ, और दिन में जैसे मैंने कहा कि 1 ही time मैं कुछ खाता हूँ, मान लो 1-2 bread हो गई, थोड़ा सा मूसली हो गई, उसमें जो है तो 100 gram दही हो गया बस, और 1 cup दूध, 1 प्याला चाय का, बस यही मेरा रोज का भोजन है, और रोटी चावल दाल तो सब सपने वाली बात है, वो तो अभी सपना हो गया मेरे लिए। हाँ कभी कभी राजमे का वो ले आता हूँ, टीन में आता है बॉयल्ड राजमा,
तो कभी उसी को जो है तो ऐसे पतीली में रख दिया, क्योंकि दुकान में और क्या कर सकते हैं, मसाले यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे डाल लिया। थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देता हूँ, वो थोड़ा बॉयल हो जाता है, उसी को खा लेता हूँ ऐसे ही। तो ऐसे ही गाड़ी चल रही है। अभी मैं अपनी इंडिया की बात करता हूँ। देखो, बात करने से कोई निंदा नहीं होती है। मैं निंदा क्यों करूँगा? मैं अपने कंट्री की क्या, मैं कहीं की भी निंदा नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे अगर मैं साउथ इंडिया में गया तो वहाँ पर मुझे सब लोग अजीब तरीके से देखेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। और स्पेशली जब आप हिंदी बोलेंगे, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं या इंग्लिश में बात करेंगे, तो वो आपके साथ में ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि जो है तो आप उनमें से नहीं हो, आप मतलब अपने नहीं हो, पराए हो। तो जब ये परायापन हमें इंडिया में फील होता है, राजस्थान जाओगे, हालांकि वहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रांतवाद तो है, भाषावाद प्रांतवाद बहुत है हमारे कंट्री में। मुंबई जाओगे वहाँ भी आपको भैया जी बोलेंगे, गुजरात जाओगे वहाँ भी आपको भैया जी बोलेंगे, और दिल्ली में भी उतनी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको ही पता लग जाता है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर जो बोलबाला है हरियाणी लोगों का, और हरियाणी और पंजाबी लॉबी बड़ी, और मेरठ के आसपास के लोगों की लॉबी काफ़ी वहाँ पर तगड़ी है। तो कहीं ना कहीं जब उनको मालूम पड़ता है कि आप यूपी से हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा भेदभाव जैसा लगता है, लेकिन इस कंट्री में ऐसा नहीं होता है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, हमारी भाषा नहीं है, जवान अलग है, और हमारी पहचान अलग है, हमारा गोत्र अलग है, हमारा डीएनए अलग है, सब कुछ अलग है, बावजूद ये लोग बड़े प्यार से अपनाते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। कभी ऐसा लगता, हाँ एक चीज़ तो है, अकेलापन फील होता है, क्योंकि ये आपसे जब मिलेंगे तो आपसे प्यार से बात करेंगे, लेकिन आप इनके साथ में मिक्स तो नहीं हो सकते ना, ना ही वो मिक्स करेंगे। ठीक है, सामने से हाय हेलो करते हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे, लेकिन अपनी जवान नहीं है, अपना अपनी भाषा नहीं है, अपना खान पान नहीं है, अपनी कल्चर नहीं है, तो मिक्स होना मुश्किल है। मतलब अभी तक तो मैं किसी से मिक्स हो ही नहीं पाया। अभी नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, वो तो मिक्स हो जाते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो यंग पर्सन्स यंग के साथ में जुड़ जाते हैं, दूसरे एज वाले भी जुड़ जाते हैं। मेरा कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं, तो मैं कभी भी मिक्स हो ही नहीं पाया, ना यहाँ हो पाया, ना यूरोप के किसी कंट्री में या दुनिया के किसी कंट्री में, कहीं भी मैं किसी से मिक्स हो ही नहीं पाया, क्योंकि पता नहीं क्यों, नहीं मालूम। तो जो भी है, तो कहने का मतलब जो है तो कंट्री अच्छा है ये। और आप अगर देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका रीज़न क्या है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से रह करके भी अकेलापन फील नहीं करता हूँ, उसका रीज़न एक ही है, और वो ये है कि मैं बचपन से अकेला रहा हुआ हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 11 साल की उम्र से मैं अकेला ही था। बाद में मुझे सूचना मिली, मैं अपनी माँ की भी डेथ में नहीं जा पाया, अपने फादर की भी डेथ में नहीं जा पाया। हालांकि फादर की डेथ हुई तो मुझे शायद 2-3 दिन के बाद में ही मैं पहुंच गया था, और क्रियाक्रम में मैं मौजूद था, लेकिन कहने का मतलब कि मैं 11 साल की उम्र से ही अलग था, और बस। तो परिवार में रहा ही नहीं, तो परिवार में जब आप नहीं रहते होते हैं तो नेचुरली अब अकेला ही रहा हूँ मैं। गुरुकुल में रहा, आश्रम में रहा, पढ़ाई करता रहा, और देश भ्रमण करता रहा, बहुत क्या कहें, अभी मैं जीवन में कहाँ कहाँ भटका हूँ, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया हूँ, क्या क्या जीवन ज़िंदगी में देखा है, अभी सब कुछ कहना भी बहुत मुश्किल है। कभी फुर्सत होगी, कभी ब्लॉग बनाऊंगा एक बड़ा लंबा चौड़ा 2-3 घंटे का, तो फिर अपनी जीवन की स्टोरी बताऊंगा, सच्ची स्टोरी बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे। इसी के साथ में अलविदा, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम, जय हिंद।